हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि ये मूवी का रिव्यू और साथ साथ मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मूवी शायद ही आप लोग चेकआउट करोगे क्योंकि ये हिंदी में आपको देखने को नहीं मिलती है। ये इंग्लिश में अवेलेबल है। मूवी का नाम है वुम्ब, या तो फिर आप इसे क्लोन भी कह सकते हो। ओवरऑल लेंथ 1 आवर 51 मिनट की है और ये एक ऐसी मूवी है जो कि वर्ल्ड की वियर्डेस्ट मूवी है। और काफ़ी सालों पहले जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो उस वक्त ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी, यानी कि फैंस दो हिस्सों में डिवाइड हो गए थे। कुछ लोगों को ये मूवी बहुत अच्छी लगी थी, कुछ लोगों को इस मूवी में बताई गई चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, उसमें जो लीड कैरेक्टर्स के जो मोटिव्स थे वो अच्छे लगे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनको ये मूवी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगी, बहुत ही ज़्यादा चूतिया पाव वाली लगी। और पर्सनली जो इसका एंडिंग है वो एज एन इंडियन ऑडियंस बिल्कुल भी हजम नहीं होता है। खैर वो सब तो हम लोग बाद में बात करेंगे कि क्या है इसकी एंडिंग, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी कहानी बता देता हूँ एकदम शॉर्ट वे में और एकदम डिटेल में, ताकि आपको समझ में आ सके। बात करेंगे इस मूवी के प्लॉट की, जो कि फोकस करता है रेबेका और थॉमस पे। दोनों ही बचपन के दोस्त होते हैं और इनके बीच में एक पैशनेट वाला प्यार होता है। हालांकि बचपन में इनके बीच में वो लेवल का प्यार नहीं होता, लेकिन बोलते हैं ना उस प्यार की शुरुआत हो जाती है। खैर अब इन सारी चीज़ों को 12 साल हो जाते हैं और रेबेका थॉमस की ज़िंदगी में दोबारा आ जाती है, जहाँ पर फिर से इनके बीच में वो एक तगड़ा वाला प्यार शुरू हो जाता है। बट अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब थॉमस की हो जाती है डेथ। अब डेथ होने के बाद रेबेका डिसाइड करती कि वो थॉमस को अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आएगी क्लोन के ज़रिए। यानी कि ये वो दौर है जहाँ पर साइंटिफिक तरीके से अगर कोई इंसान मर गया तो उसके जेनेटिक सैंपल को लेकर हम उसी इंसान को दोबारा से ज़िंदा कर सकते हैं। तो रेबेका डिसाइड करती है थॉमस को फिर से ज़िंदा करने के लिए, और वो ऐसा कर भी देती है। लेकिन उसके बाद वो क्या कुछ चीज़ें फेस करती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको तो ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर अब बात करेंगे इस मूवी की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टर ने एक ऐसी लव स्टोरी बताई जिसे देखकर हमको ऐसा लगता है कि आकाश हमें भी कोई लड़की इस तरह से प्यार करे या हम किसी लड़की को इस तरह से प्यार करें। यानी कि बेसिकली आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर डायरेक्टर ने जो एक क्लोन वाला सब्जेक्ट उठाया है, यानी कि जब दुनिया में क्लोन वाली फैसिलिटी आ जाएगी लोगों की, यानी कि लोग मरने के बाद या मरने से पहले बॉडी डबल को एज अ क्लोन पैदा कर सके इस दुनिया में, तो उसका कैसा यूज़ और कैसा मिसयूज़ कर सकते हैं वो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से बताया। हालांकि इस चीज़ को यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं बताया, लेकिन फिर भी मुझे जो वो बताना चाह रहा था वो समझ में आया। और साथ साथ जो ह्यूमन क्लोन्स हो गए उसका ह्यूमन सोसाइटी पे किस तरह से असर होगा या कैसे वो लोग रिएक्ट करेंगे वो भी आपको इस मूवी में हल्के ही सही लेकिन समझ में ज़रूर आता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है इस पूरी मूवी की वो है इसकी एंडिंग। यानी कि एंड में एक माँ अपने बेटे के साथ सेक्स कैसे कर सकती है, तो एज एन इंडियंस आपको बहुत बुरा फील होगा और मुझे भी बहुत बुरा फील हुआ, क्योंकि माँ ही होती है, माँ की हम लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इस मूवी में जब हम लोग वो पर्टिकुलर सीन देखते तो हमको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और हम लोग बोलते क्या छूतिया बात चल रहा है। लेकिन ये इंडियन मूवी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि रेबेका के लिए थॉमस कभी भी उसका बेटा नहीं था, रेबेका के लिए थॉमस उसका बॉयफ्रेंड था जिसको वो दोबारा से इस दुनिया में लेकर आना चाह रही थी। बट प्रॉब्लम ये कि उसको खुद पैदा करके लेकर आना पड़ा, लेकिन था तो उसके लिए वो थॉमस ही, तो इसलिए वो जो चीज़ें चाह रही थी थॉमस से वो अपनी तरफ से सही थी। लेकिन उसको ये भी सोचना चाहिए था कि जब थॉमस रेबेका को अपनी माँ बोल रहा है तो वो अपनी माँ को लेकर ये सारी चीज़ें कैसे सोचेगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि थॉमस की भी अपनी एक लाइफ है। क्लोन कर लेना का मतलब ये नहीं कि आपने उस इंसान को ख़रीद लिया है। जाहिर सी बात है यार, वो जब बड़ा होगा तो उसको दूसरी लड़कियाँ पसंद आएगी, वो अपनी माँ को क्यों उस नज़र से देखेगा। तो यहाँ पर थॉमस का भी एक पर्सपेक्टिव मुझे समझ में आया, लेकिन रेबेका का जो मोटिव था एंड में वो क्लियर होता हुआ नज़र नहीं आता। वैसे इस मूवी का रिव्यू करने कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन जो इसकी एंडिंग थी ना वो मुझे इतनी ज़्यादा अजीब सी लगी तो मैं बोला चलो इसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर ही लेते हैं। खैर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसकी एंडिंग को लेकर और इस मूवी का जो मेन मोटिव था वो आपको किस हद तक समझ में, और आपके हिसाब से रेबेका ने एंड में जो जो चीज़ें की या एंड में जो चीज़ें वो चाहती थी क्या वो उसको मिली या नहीं मिली, ये मुझे आप लोग ज़रूर बताना। और थॉमस ने जो चीज़ें की, यानी कि मैं क्लोन थॉमस की बात कर रहा हूँ, तो उसने जो एंड में किया वो सही किया या नहीं किया वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा है तो। खैर उसके अलावा मूवी की जो दूसरे एस्पेक्ट्स हुई बहुत ही अच्छे हैं, मैं उस पर ही फोकस करना चाहूँगा। इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है लाजवाब है, जो लोकेशन पर ये मूवी शूट हुई है मज़ा आया था भाई। ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा बीच है जो सफ़ेद चादर उड़ा हुआ है और पूरी मूवी में वो बीच इतना आँखों को खूबसूरत लगता है कि आपका मन करता है कि यार पहली फुर्सत में उस बीच पे निकल जाए। और वो बीच जर्मनी में। उसके अलावा बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जिसको मानो
किसी पेंटिंग की तरह यहाँ पर आपको बता रहा है। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि यार हम लोग किसी म्यूजियम में जहाँ पर हम लोग ये खूबसूरत पेंटिंग्स देख रहे हैं। बीजीएम बहुत अच्छा है, एक अलग दुनिया में आपको लेके चले जाता है। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई ईवा ग्रीन जिसने यहाँ पर रोल प्ले किया रेबेका का, बहुत ही फाड़ू परफॉर्मेंस किया यार, मज़ा आ गया। दबेश उसका फेशियल एक्सप्रेशन यार गजब का था। और मैट स्मिथ जिसने यहाँ पर थॉमस का रोल प्ले किया, बंदे के पास करने के लिए बहुत कुछ था और बंदे ने किया भी। मैं वहाँ पर बात कर रहा हूँ जो कि एडल्ट वाली बात कर रहा हूँ मैं। बाकी उसका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। और ओवरऑल जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, हालांकि यहाँ पर इतने सपोर्टिंग एक्टर्स नहीं है, लेकिन जितने भी सब लोगों ने अच्छा काम किया यहाँ पर। एडिटिंग इस मूवी की अच्छी है, लेकिन इसको और भी ज़्यादा एडिट किया जा सकता था। यानी कि डेढ़ घंटे की रखते तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता, और जो चीज़ डायरेक्टर बताना चाह रहा था वो हमें समझ में तो आती है, लेकिन एंड में उसका कुछ मतलब नज़र नहीं आता। ओवरऑल ये एक ऐसी वियर्ड मूवी थी जो मैं दोबारा से देखना नहीं चाहूँगा। हाँ, एक बार देखा तो मुझे अच्छा लगा कि कुछ अलग हटके देखने को मिला, बट जो एंडिंग थी वो एंडिंग थी। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 6.5 out of 10। अगर आप लोग चाहते हो इस तरीके की हटके मूवी देखना तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। कहाँ देखोगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या अपने कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोग उन व्यूवर्स में से एक हो जिन्होंने वुम्ब मूवी देखी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।